नमस्कार। आज की कक्षा का टॉपिक है एलसीएम अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में हम लोग लघुत्तम समापवर्ती भी कहते हैं। अब ये क्या होता है और कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये एक-एक शब्द को लेते हैं। समापवर्ती, इसका अगर हम इस शब्द का दो टुकड़ा करते हैं या संधि विच्छेद कहें तो ये होता है सम अपवर्त्य। तो अपवर्त का अर्थ होता है मल्टीपल, या इसका दूसरा शब्द होगा गुणज, और सम मतलब जो कॉमन है और लघुत्तम सबसे छोटा। तो दो या दो से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे है ना कॉमन मल्टीपल को हम लोग एलसीएम कहते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। यहां जो प्रश्न है वो है 4 और 14 का लघुत्तम समापवर्त निकालना। तो जब इसको हम हल करते हैं तो फिर इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि वास्तव में ये लॉसो या एलसीएम क्या होता है। 4 का अपवर्त क्या क्या होगा? 4, 8, उसके बाद 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, उसके बाद 48, 52, 56 और ये अनंत तक जाएगा। अब 14 का अपवर्त यानी मल्टीपल देखते हैं। तो 14, 28, 42, 56, इसके बाद 70 एंड सो ऑन। तो हमने यहां पर अभी 4 का अपवर्त लिखा है, 14 का अपवर्त। देखिए ये 4 का अपवर्त है और ये 14 का अपवर्त। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा 4 और 14 का जो अपवर्त है ना, चलिए ये लाइन की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, 4 और 14 का समापवर्त, समापवर्त कौन कौन सा है, यानी जो दोनों में है, ऐसे अपवर्त जो दोनों में है कौन कौन सा है। तो देखिए यहां पर 28 है और यहां भी 28 है। देखिए ये समापवर्त है, ये 28 और 28। इसके बाद दूसरा कौन सा में दिख रहा है जो दोनों में है? ये 56 और ये 56। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और भी मिलेंगे। तो 4 और 14 का जो समापवर्त है वो क्या क्या है? 28, 56 और आगे चलेंगे तो और भी मिलेगा। अब हमको देखना है 4 और 14 का जो लघुत्तम समापवर्त है, यानी इसमें से जो सबसे लघुत्तम है, सबसे छोटा है, वो है 28। तो 4 और 14 का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त हो गया 28। एक और उदाहरण लेते हैं, 6 का अपवर्त। तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 48
48 के बाद 54, 60, 66, 72 एंड सो ऑन। अब 10, तो 10 का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड सो ऑन। 12 का अपवर्त 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो। अब हम लोग देखेंगे, हमने 6 का अपवर्त लिखा, 10 का अपवर्त लिखा, 12 का अपवर्त लिखा। अब हम देखेंगे कि 6, 10 और 12 में ऐसे अपवर्त कौन है, कौन से हैं जो तीनों में है, यानी समापवर्त है, या इंग्लिश में कहें कॉमन मल्टीपल है। तो ये जो बड़ी संख्या है उसको पहले देखते हैं, 12। तो देखते हैं यहां भी 12 है, लेकिन ये 10 वाले में 12 नहीं है। इसके बाद 24, यहां 24 है लेकिन देखिए 10 वाले में नहीं है, 12 वाले में तो है, 12 के अपवर्त में है। इसके बाद 30, यहां 30 आया, 10 वाले में 30 है लेकिन 12 वाले में, 12 के अपवर्त में 30 नहीं है। 36, यहां 36 है, 6 के अपवर्त में, 12 के अपवर्त में भी 36 है लेकिन 10 के अपवर्त में 36 नहीं है। इसके बाद 42, चलिए तो 42 तो इधर नहीं है। 48, तो 12 के अपवर्त में 48 है लेकिन 10 के अपवर्त में नहीं है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो जो पहला अपवर्त मिल रहा है जो तीनों में है वो 60 है ना। अब हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी मिलेगा, लेकिन एक तो हमें मिल गया और ये सबसे छोटा भी है ना। तो ये अगर हम आगे बढ़ते तो यहां पर और भी मिलता, ये आप याद रखिए है ना। तो हम यहां पर सिर्फ एक ही लिख रहे हैं क्योंकि अभी यहां पर जितना हमने निकाला है उसमें से एक ही समापवर्त हमें मिला है, और आगे निकालने की अभी आवश्यकता है भी नहीं। तो 6, 10 और 12 का जो लघुत्तम समापवर्त है, सबसे छोटा समापवर्त है, वो है 60। तो ये हमारा 6, 10 और 12 का एलसीएम हो गया। तो अब आप एलसीएम क्या होता है, अर्थात लॉसो या लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसको एलसीएम ज्ञात करने की क्या विधियां हैं। अभी तो हमने देखा था कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब विधि क्या है कि किस तरह से हम इसे ज्ञात करते हैं। तो दो विधियां हैं। ये जो कॉन्सेप्ट वाली विधि है, इस विधि से हम सिर्फ छोटी संख्याओं का निकाल सकते हैं। आप यहां पर देखें कि हम जब आगे बढ़ रहे थे तो इसके आगे बहुत आगे जाएंगे तब फिर हमें और समापवर्त मिलता है ना। तो हमेशा इस तरह से ज्ञात करना संभव नहीं है, और बड़ी संख्या मिलेगी तो और दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए हम कुछ दूसरी विधियां इसके लिए अपनाते हैं, और दो विधि हमारे पास है। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। अब चलिए एक एक करके हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये विधियां क्या है और किस तरह से हम इसके द्वारा एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि,
इससे हम निकालने की कोशिश करेंगे। और ये हमने पहला जो उदाहरण लिया है वो 4 और 10 का लसअ या एलसीएम निकालना है। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड पहले कर रहे हैं, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2, अर्थात ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर। अब 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 10 का होगा 2 गुना 5। अब देखिए हम 4 और 10 का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं 2 का वर्ग है तो यहां पर हम ले रहे हैं, इससे बड़ा और कोई घात वाला 2 का नहीं है तो ये 2 का वर्ग हो गया। और फिर अगला कौन सा अभाज्य संख्या है वो है 5, इसको गुना कर दे रहे हैं तो 2 का वर्ग हो गया 4 गुना 5, तो ये हो गया 20। तो हमको ये प्राप्त हो गया 4 और 10 का 10 का लसअ यानी एलसीएम 20 हो गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, और इस उदाहरण में हम 20, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकाल रहे हैं। तो किस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे वो देखेंगे। 20 का अभाज्य गुणनखंड तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुना 5। अब 25 का तो 5 गुना 5 बराबर 5 का वर्ग। चलिए अब 30 तो 2 गुना 3 गुना 5। अब यहां देखिए हम क्या करेंगे कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो सबसे अधिक घात वाला संख्या है उसे हम लेंगे, सबसे अधिक घात को लेंगे यानी सबसे ज्यादा। तो यहां 2 अभाज्य संख्या हमें दिख रही है, 2 और 5, और इसका जो सबसे अधिक घात है सबसे ज्यादा वो ये है 2, तो ये हम लेंगे 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू। अब 5 3 है, दूसरा 3 है तो ये 3 तो बस एक ही घात है इसमें, तो 1 हो गया ये 3, इसके बाद 5 है तो 5 स्क्वायर है। अब चलिए सारे को गुना करेंगे, 4 गुना 3 गुना 25, तो देखिए 25 चौका 100 और 100 गुना 3 300, तो 20, 25 और 30 का लसअ हमारा आ गया 300। अब इसके बाद हम अगली विधि देख रहे हैं, भाग विधि, और इसी का ज्यादा प्रयोग हम लोग करते हैं। 5 और 25 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो इस विधि में हम क्या करते हैं ना, हम जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं उसको इस तरह से लिखते हैं 5 और 25। अब हम इसका जिस तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसी तरह से अब इसमें हम भाग देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2 से, लेकिन 2 से तो नहीं जाएगा। अब देखेंगे 3 से, 3 से भी नहीं जा रहा है। तो उसके बाद जो अभाज्य संख्या है वो 5 है, तो 5 से करेंगे, तो 5 से 5 एक 5 और 5 5 25। अब और इसका अभाज्य गुणनखंडन नहीं हो सकता है, तो इसका जो लसअ या एलसीएम होगा वो हो जाएगा 5 गुना 1 गुना 5, तो ये हो गया 25। इस तरह से 5 और 25 का लसअ यानी एलसीएम हमारा आ गया 25। अब समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं, वो है 5 15 और 20, तीन संख्या ले रहे हैं यहां पर, तो यहां भी ठीक वैसे ही करेंगे, 5 15
और 20। चलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो दो से कोशिश कर रहे हैं, नहीं दो से तो नहीं जाएगा, तीन से भी नहीं जा रहा है, सिर्फ एक में जा रहा है, दो से भी इसमें जा रहा है 20 में, लेकिन बाकी दोनों में नहीं जा रहा है। और तीन से कर रहे हैं तो सिर्फ ये 15 में जा रहा है। तो कम से कम जिस भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, कम से कम दो संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो दो और तीन से तो ऐसा नहीं हुआ, पांच से देखते हैं, तो पांच से हां तीनों में जा रहा है, तो पांच से पांच का पांच, पांच तिहाई 15, पांच चौके 20। अब कोई ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जिससे हम कम से कम दो संख्याओं में भाग दे सके, तो इसका जो लॉस है वो हो जाएगा 5 × 1 × 3 × 4, 5 × 3 = 15, 4 = 60। तो ये अभी आपने देखा कि दो उदाहरण हमने लिया, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो हमने चर्चा की कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम सबसे छोटा, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो सबसे छोटा समान गुणज या मल्टीपल होता है उसे ही एलसीएम कहते हैं, और हिंदी में उसे लॉसर कहते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि वास्तव में ये क्या है, ये लॉसर को जो अभी हमने इसे कुछ उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां हमने 4 का अपवर्त लिखा, फिर 14 का अपवर्त लिखा, फिर जो कॉमन अपवर्त था उसे हमने लिखा, जिसे हमने कहा 4 और 14 का समापवर्त। अब जो इन दोनों में समापवर्त में लघुत्तम था वही हमारा आंसर हुआ। फिर ये इस उदाहरण के द्वारा भी हमने समझने की कोशिश की। अब इसके बाद हमने देखा कि एलसीएम ज्ञात करने की दो विधियां हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में हमने क्या किया कि जिनका निकालना था उसका अभाज्य गुणनखंड किया। जैसे यहां 4 का निकालना था तो अभाज्य गुणनखंड किया 4 का, 2 × 2 तो ये 2² हो गया। फिर 5 का गुणनखंड किया तो जो लघुत्तम समापवर्त इन दोनों का होगा। तो हमने क्या किया कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उसमें जो सबसे बड़ी घात वाली थी उसको हमने लिखा। तो यहां दो संख्या में दिख रही है अभाज्य संख्या, 2 और 5, और 2 का सबसे जो अधिक घात वाली संख्या है वो 2² ये है, तो इसे हमने लिखा, और अगली जो संख्या थी 5 उसको गुणा कर दिया तो हमारा आ गया 20। इसके बाद हमने 20, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्त निकाला। इसके लिए हमने क्या किया, 20 का अभाज्य गुणनखंड किया तो ये हो गया 2 × 2 × 5, और इसे हम लिख सकते हैं 2² × 5। इसी तरह से 25 का अभाज्य गुणनखंड को हमने लिखा 5² और 30 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 3 × 5। तो यहां तीन संख्याएं जो है अभाज्य संख्या हमें मिल रही है, 2, 3 और 5। तो 2 का जो सबसे अधिक घात वाला संख्या है वो 2² है तो उसे हमने लिख लिया। उसके बाद 3 आ रहा है तो 3 का तो घात 1 वाला है ये, तो 1 ये 3 लिखा। इसके बाद गुना किया 5 का वर्ग जो ये सबसे अधिक घात वाला है, और फिर जब इसको हमने गुना किया तो ये आ गया 300। तो ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने का तरीका। आगे की कक्षाओं में इसका काफी व्यवहार होगा जब बीजगणित में। अब इसके बाद जो अगला विधि था वो था भाग विधि, और इसका हम लोग काफी प्रयोग करते हैं। तो पहला उदाहरण हमने लिया 5 और 25 का, तो इसमें इस तरह से हम लोग दोनों को लिख लेते हैं, दो या जितनी भी संख्याओं का निकालना रहता है। तो यहां दो ही संख्या हमने लिया है। अब इसे अभाज्य संख्याओं से
भाग देने की कोशिश करते हैं। और एक चीज याद रखना है, जब भी हम लोग कोशिश करेंगे तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उससे शुरू करेंगे और फिर उससे बड़ी उसी क्रम में चलेंगे। तो सबसे छोटी होती है दो अभाज्य संख्या, तो दो से तो यहां जा नहीं रहा है, भागने लग रहा है, फिर तीन से कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है, इसके बाद हुआ पांच से, तो पांच से फिर हमने दिया। तो फिर ये जितना भी गुणनखंड आ गया उसे हमने गुना किया तो हमारा ये लघुत्तम निकल गया, लौसव निकल गया, सॉरी। इसी तरह से हमने इस बार तीन संख्याएं ली और फिर इसी तरह से हमने ये निकाला। तो एक और उदाहरण लेके समझाने की कोशिश करता हूं। चार, पंद्रह और बारह, इसका लौसव हम निकाल रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमने कहा कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उससे भाग देते हैं, तो सबसे छोटी दो है, तो दो से देखिए चार और बारह में लग रहा है इसलिए इसे हम भाग देंगे, तो यहां दो दुनी चार। अब इस पंद्रह में नहीं लग रहा है तो इसे हम सिर्फ उतार देंगे, यहां कॉपी कर दिया, तो दो छक बारह। अब पुनः देखेंगे कि क्या दो से किसी दो संख्या में जा रहा है, तो हाँ, यहां दो और छह भी में दो से भाग लगेगा पूरा पूरा, तो दो एका दो और ये पंद्रह और ये दो तिहाई छह। अब देख रहे हैं कि दो से भाग नहीं लग रहा है तो तीन से कोशिश करेंगे, हाँ तीन से लगेगा, पंद्रह में भी लगेगा और तीन में भी लगेगा, तो तीन से करेंगे, एक तो ज्यो का त्यों उतार दे रहे हैं, तीन पचे पंद्रह और तीन एका तीन। अब और इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है और अभाज्य संख्याएं नहीं मिलेगी, तो दो तो यहां पर चार पंद्रह और बारह का लॉस या एलसीएम कहें, ये बराबर हो गया दो गुना दो गुना तीन गुना पांच, तो दो दुना चार यही बारह पचे साठ। आशा है कि लॉस यानी एलसीएम के बारे में आपकी समझ पक्की हो गई होगी। धन्यवाद।